इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान आपका वेट कर रहे हैं, जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। बहुत सारे निवेश के प्लान जिसमें पैसा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, पीपीएफ में, फिक्स डिपॉजिट, सारी स्कीम्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आज मैं लाया हूँ पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं पीपीएफ के नियम पोस्ट ऑफिस में क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीपीएफ होता क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये जो स्कीम लाई गई है भारत सरकार के द्वारा पीपीएफ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि हम लंबे समय के लिए, दीर्घ काल के लिए, बहुत समय के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो पीपीएफ की स्कीम इसके लिए बेस्ट है। पीपीएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1968 विद द ऑब्जेक्टिव टू मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। और पीपीएफ स्कीम को 1968 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, भारत सरकार ने क्यों लॉन्च किए, ये सोचकर कि जो छोटी छोटी बचत होती है उसे लोग एक सही जगह लगाएं और उस पैसे का उपयोग भारत सरकार भी करे और बदले में भारत सरकार लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी देती है। तो आप देख लेते हैं पूरी स्कीम वन बाय वन करके। हु कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट, तो देखिए, ए सिंगल एडल्ट बाय रेसिडेंट इंडियन। कोई भी रेसिडेंट इंडियन जो वयस्क है वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर छोटे बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है अनसाउंड माइंड के आधार पर भी, लेकिन वो कौन खोलेगा, गार्जियन। खुद माइनर या अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति नहीं खोल सकता, गार्जियन खोल सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्री इधर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। ध्यान दे, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है एक देश एक पैन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड, वैसे ही एक देश एक पीपीएफ अकाउंट होता है। आप बैंक में खोले या पोस्ट ऑफिस में खोले, लेकिन पूरे देश भर में आपके नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। फिर आगे है डिपॉजिट्स मनी इन पीपीएफ अकाउंट, ये देख लेते हैं। मिनिमम डिपॉजिट ₹500 इन ए फाइनेंशियल ईयर, कम से कम आप एक फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान दे, फाइनेंशियल ईयर होता है भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपको कम से कम ₹500 जमा कराना ही है। एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इज ₹1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। और ज्यादा से ज्यादा कितना जमा करा सकते हैं, ₹1.5 लाख आप ज्यादा से ज्यादा जमा करा सकते हैं, और कम से कम ₹500 जमा कराने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹1.5 लाख शेल बी इंक्लूसिव ऑफ द डिपॉजिट मेड इन हिज हर ओन अकाउंट इन द अकाउंट ओपन्ड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है और अपने बच्चे के नाम के आधार पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है, तो भी वो 1.5 लाख तक की लिमिट में ही अकाउंट खोल सकता है। ये नहीं कि मेरा 1.5 लाख अलग और मेरे बच्चे का 1.5 लाख अलग, इस तरह से उसकी डिपॉजिट्स नहीं मानी जाएंगी। फिर आगे है डिपॉजिट्स मनी इन पीपीएफ अकाउंट का ही अगला भाग। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन इंस्टॉलमेंट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर इन मल्टीपल ऑफ ₹50। आप पीपीएफ अकाउंट में चाहे जिस मर्जी के अनुसार पैसा जमा करा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं, और वो मल्टीपल ऑफ ₹50 होना चाहिए, यानी कि कम से कम आप ₹50 जमा करा सकते हैं किसी भी महीने में, ठीक। एंड मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख, और पूरे साल भर में आपको 1.5 लाख तक जमा करा सकते हो। कम से कम किसी महीने में ₹50, पूरे साल में कम से कम ₹500, और मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख जमा करा सकते हो आप। अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश चेक एंड इन केस ऑफ चेक द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ चेक इन गवर्नमेंट। ध्यान दे, आप कैश से भी अकाउंट खोल सकते हैं पीपीएफ का, चेक से भी खोल सकते हैं। चेक जिस दिन रियलाइजेशन होगा उसका, जिस दिन बुनेगा वो, उसी दिन उसका अकाउंट खोलना माना जाएगा पीपीएफ का। फिर आगे है टेन्योर ऑफ पीपीएफ और मेच्योरिटी पीरियड और लॉक इन पीरियड। ये तीनों एक ही शब्द है कि पीपीएफ का मेच्योरिटी पीरियड, लॉक इन पीरियड या टेन्योर पीरियड क्या होता है। तो देखिए, ए पीपीएफ अकाउंट कम्स विद ए स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड ऑफ कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स। ध्यान दे, मैंने यहाँ एक बहुत तगड़ा वर्ड यूज किया है, कंप्लीट। हर जगह आपने कहीं देखा होगा तो वो 15 साल बोलते हैं कि 15 साल की मेच्योरिटी है, ये 15 साल नहीं है, इसको भ्रम से निकाल दें, ये 15 फाइनेंशियल ईयर है कंप्लीट। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भारत में, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम एक फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने
किसी वर्ष में जुलाई में अकाउंट खुलाया, तो उस जुलाई वाले जो फाइनेंशियल ईयर को है, मान लीजिए 2020 में आपने अकाउंट खुलाया जुलाई में, तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाएगा। फिर उसके आगे जो 15 वर्ष आएंगे फाइनेंशियल ईयर के, उसको काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल का भी हो सकता है, 15 साल 11 महीने तक का भी हो सकता है, और कुछ दिन का भी हो सकता है। तो ये मिनिमम तो 15 साल है ही, उसके अलावा ये 15 साल 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने ये भी हो सकते हैं। इसके लिए मैंने कैलकुलेटर बना रखा है, पीपीएफ मैच्योरिटी डेट कैलकुलेटर। आप मेरे नीचे प्लेलिस्ट के लिंक देखना, उसमें पीपीएफ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, पीपीएफ कैलकुलेटर, मैच्योरिटी कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, विड्रॉल कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है। फिर आगे देखते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹500 इज नॉट मेड, द सेट पीपीएफ अकाउंट शैल बिकम डिसकंटिन्यूड। जैसा कि मैंने बताया, कम से कम आपको एक फाइनेंशियल ईयर में ₹500 जमा कराने, अगर आप नहीं जमा कराते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लोन विड्रॉल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन डिसकंटिन्यूड अकाउंट, और कोई डिसकंटिन्यूड अकाउंट है, इनएक्टिव अकाउंट है, तो उसमें ना तो लोन की फैसिलिटी मिलती है, ना ही कोई विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है। फिर आगे है डिसकंटिन्यूएशन का अगला पार्ट है, डिसकंटिन्यूड अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड बाय द डिपॉजिटर बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द अकाउंट बाय डिपॉजिट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज 500 प्लस ₹50 डिफॉल्ट फ्री फॉर ईच डिफॉल्टेड ईयर। अगर आप चाहते हैं कि डिसकंटिन्यूड अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट को आप चालू करना चाहते हैं, वापिस से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जितने साल आपने पीपीएफ में पैसा जमा नहीं कराया उसका प्रत्येक साल का ₹500 प्लस उसकी पेनल्टी कह सकते हैं हम ₹50, वो दोनों मिलाकर आपको जमा कराने होंगे। जैसे मान लीजिए 2 साल तक आपने पीपीएफ अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं कराया, ठीक है, तो तीसरे साल में कितना जमा कराएंगे आप, पहले साल का 500 प्लस 50 550, दूसरे साल का 500 प्लस 50 550, 550 और 550 कितने हो गए ₹1100, और तीसरे साल में मिनिमम फिर से ₹500 जमा कराने होंगे, तो 11 और 5 16 ₹1600 तीसरे साल में जमा कराने होंगे, तब जाके आपका ये अकाउंट स्टार्ट वापिस से हो जाएगा। द टोटल डिपॉजिट इन ए ईयर शैल बी इंक्लूसिव ऑफ डिपॉजिट मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईयर्स ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, जितनी भी डिपॉजिट्स हैं जो प्रीवियस डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर्स की है, वो सारी मिलाकर होनी चाहिए इसमें कंप्लीट। फिर है पीपीएफ इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इंटरेस्ट रेट इज 7.1% पर एनम। 1/4/2020 से अभी करंट तक पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, 7.1% पर एनम वार्षिक। अब आपके लिए देखिए, इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होता है। रिव्यू होकर चेंज हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन रिव्यू उसे हर क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने में भारत सरकार उसको रिव्यू करती है कि पीपीएफ पर कितना इंटरेस्ट दिया जाए। द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ ऑन द लोवेस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ। अब ध्यान दे कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, आपके जो बैलेंस है वो किस बैलेंस के आधार पर होगा, या तो एंड ऑफ द मंथ में आपका कितना बैलेंस है, या 5 तारीख को, किसी भी महीने की 5 तारीख को आपका कितना बैलेंस है उसके आधार पर, उन दोनों में से जो लोवेस्ट बैलेंस होगा उसी के ऊपर उस महीने का ब्याज बनेगा। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को आपके अकाउंट में थे ₹1,00,000, ठीक है, और फिर 5 तारीख के बाद आपने 20 तारीख तक और डाल दिए पैसे, तो मान लीजिए महीने के अंत में हो गए ₹1,50,000, ठीक है, पहले ₹1,00,000 था 5 तारीख तक, अब हो गए ₹50,000 और डाल दिए तो ₹1,50,000 हो गया। लेकिन 1 लाख और 1.5 लाख में से कम कौन है, 1 लाख, तो 1 लाख पर ब्याज मिलेगा उस महीने का। फिर बाद में तो 1.5 लाख पे मिल जाएगा, लेकिन उस महीने के लिए तो आपको केवल 1 लाख पे ब्याज मिलेगा। तो 5 तारीख को जितना पैसा होगा और एंड ऑफ द मंथ में जितना पैसा होगा, उन दोनों में से जो भी लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसके आधार पर उस महीने का ब्याज देय होगा। फिर आगे देखते हैं, हाउ पीपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली और ईयरली। तो पीपीएफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू पीपीएफ रूल्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ए मंथली बेसिस। ध्यान दे कि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मंथली बेसिस पे काउंट होता है, हर महीने आपकी रकम पर ब्याज जुड़ता चला जाता है, बट इट इज क्रेडिटेड इन टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन एवरी 31st मार्च। ध्यान दे कि कैलकुलेशन तो होता है मंथली बेसिस पे, हर महीने कैलकुलेट होगा कि कितना ब्याज बना, लेकिन हर महीने आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा ब्याज, बल्कि
31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को आपके पीपीएफ अकाउंट में ब्याज जमा किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, और इसी कारण से पीपीएफ में जनरली कई स्कीम्स ऐसी होती है जिसमें इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, लेकिन पीपीएफ में इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है। क्यों होता है ईयरली कंपाउंड? क्योंकि आपके अकाउंट में केवल एक साल में एक बार ही इंटरेस्ट जमा किया जाता है 31 मार्च को, तो उस वजह से वो कंपाउंडिंग भी ईयरली होती है। अब ये देख लीजिए, आपकी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट का इतिहास लाया हूं, 1968-69 से ये चालू है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी करंट में 1/4/2020 से चालू है, ये 7.10 चल रही है, अभी भी कंटिन्यू यही चल रही है इंटरेस्ट रेट, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप यहाँ से अपनी इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं कि किस किस समय क्या क्या रही। फिर आगे है, पीपीएफ फंड को मैनेज कौन करता है, ये भी बड़ा प्रश्न आता है। इट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मनी इन द पीपीएफ अकाउंट एंड द रिटर्न्स इट जनरेट्स आर गारंटीड। पीपीएफ अकाउंट को कोई भी राज्य सरकार मैनेज नहीं करती है, भारत सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये भारत सरकार की स्कीम है और गारंटीड रिटर्न है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दे रही है तो गारंटीड रिटर्न है, हर चीज की इसमें गारंटी है पीपीएफ में, तो कहीं कोई खतरा नहीं है। फिर आगे है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में कोई रिस्क है क्या? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, देर इज नो रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इन द पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल हम इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कोई शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे, हम कहीं नहीं लगा रहे, हमने भारत सरकार की एक स्कीम में पैसा लगाया है जिसमें हमको ब्याज मिलेगा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। सबसे सेफ अगर भारत की कोई स्कीम है इन्वेस्टमेंट की, तो वो है पीपीएफ। इट इज कम्प्लीटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, 100% सेफ है, मैं भी इसको मानता हूँ, आप भी इसको मान ले, सबसे सेफ अगर कोई स्कीम है भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो पीपीएफ है। फिर आगे है, वेदर ज्वाइंट अकाउंट इज अलाउड इन पीपीएफ। ये भी प्रश्न आता है कि सर पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं क्या? तो नहीं खोल सकते हैं, आप क्लियर कर लें इस चीज को। ए पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन ज्वाइंट नेम। पत्नी अपना अलग खोल सकती है, पति अपना अलग खोल सकता है, लेकिन ज्वाइंट किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है। फिर आगे है, पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम एज क्या है? मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एज लिमिट टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, तो फिर क्या बच्चा खोल सकता है? तो देखिए इसका आंसर, हाउएवर ए पीपीएफ अकाउंट ऑफ ए माइनर कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय पेरेंट गार्जियन ऑन हिज हर बिहाफ अंटिल द अकाउंट होल्डर टर्न्स 18। जब तक माइनर के नाम पर भी गार्जियन खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, लेकिन वो 18 वर्ष का होते ही फिर वो उसके नाम पर हो जाएगा। फिर आगे, कैन एन इन्वेस्टर होल्ड मोर देन वन पीपीएफ अकाउंट? तो देख लीजिए इसका आंसर भी, एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन अकाउंट अंडर हिज हर नेम। कोई भी व्यक्ति देश में केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस में एक पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, बैंक में अलग खोल लिया, नहीं, कोई सी भी बैंक हो, कोई सा भी पोस्ट ऑफिस हो, पूरे भारत में केवल आप अपने नाम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। हाउएवर अनदर अकाउंट कैन बी ओपन बाय द इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। हाँ, माइनर के आधार पर आप अपने बच्चे के नाम के आधार पर भी एक अकाउंट रख सकते हैं, उसकी परमिशन दी गई है। फिर आगे है, कैन ईच मेंबर ऑफ माय फैमिली ओपन पीपीएफ अकाउंट इन देयर ओन नेम। मेरे परिवार का क्या प्रत्येक सदस्य खोल सकता है क्या पीपीएफ अकाउंट? तो यस, ऐसा पॉसिबल है, ईच फैमिली मेंबर कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट इन देयर ओन नेम। अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अकाउंट खोल सकते हैं पीपीएफ का, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खोल सकते हैं। फिर आगे है, What is the best time to deposit money in PPF account in year? पूरे वर्ष के दौरान कब हम PPF में investment करें? ये भी एक प्रश्न आता है, तो उसका देख लीजिए आंसर। It is always advisable to invest in the PPF at the beginning of the year. आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप कभी भी अगर PPF में invest करते हैं तो financial year की शुरुआत में ही करें। Year अलग चीज होता है, year तो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करें, कोशिश करें कि अप्रैल में ही पैसा इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग पावर ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जिस महीने में आपने पैसा लगाया है पीपीएफ में, उस महीने का भी ब्याज मिलता है। तो आप ये सोचें कि मैं फरवरी में एक साथ 1.5 लाख रुपए लगा देता हूं और पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फाइनेंशियल ईयर का अगर पूरा लाभ लेना है तो आपको अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका लाभ मिलेगा। दिस वे यू विल बी अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर द एंटायर ईयर, और इस प्रकार से आप पूरे साल भर का ब्याज ले पाएंगे। अदरवाइज यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रिमेनिंग मंथ्स, और अन्यथा अगर आपने मान लीजिए दिसंबर में जमा किया
तो फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर में, बाकी का रह जाएगा। फिर आगे है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट इन ए मंथ। अब ये और प्रश्न आता है कि सर महीना तो ठीक है लेकिन महीने की कौन सी तारीख तक जमा कर दे कि हमको फायदा हो, ये भी इसमें देख लीजिए। इफ ए पीपीएफ अकाउंट होल्डर डिपॉजिट्स इन पीपीएफ अकाउंट फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ एनी मंथ ही शी विल बी एलिजिबल फॉर पीपीएफ इंटरेस्ट ऑफ दैट मंथ टू। यदि आपने एक तारीख से पांच तारीख तक पैसा जमा कराया पीपीएफ अकाउंट में तो आपको उस महीने का भी ब्याज मिलेगा, और अगर पांच तारीख के बाद जमा कराया अदरवाइज ही शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीपीएफ इंटरेस्ट ऑफ दैट मंथ। यदि मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा कराया है, किसी भी महीने में जमा करा रहे हो आपकी इच्छा है, लेकिन कोशिश करें उस महीने की 5 तारीख तक जमा करा दें। मान लीजिए दिसंबर की 5 तारीख तक आपने 1.5 लाख रुपए जमा नहीं कराया, 6 तारीख को जमा कराया, तो होगा क्या, उस दिसंबर का ब्याज 1.5 लाख पर आपको नहीं मिलेगा, और 1 से 5 तारीख के बीच में जमा कराया तो उस 1.5 लाख पर आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको जब भी ब्याज ज्यादा से ज्यादा लेना है तो 1 से 5 तारीख के बीच में ही पैसा जमा कराए। फिर आगे है ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, ये भी देख लेते हैं। यू कैन ट्रांसफर योर पीपीएफ अकाउंट टू अनदर ब्रांच ऑफ द बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्विच फ्रॉम बैंक टू पोस्ट ऑफिस और स्विच फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू ए बैंक। अब इस अकाउंट की बहुत बड़ी खूबसूरती है पीपीएफ अकाउंट की, भारत में इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसे आप बैंक से बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस की भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हो, और बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि भारत के समस्त बैंकों में समस्त पोस्ट ऑफिस में ये ट्रांसफरेबल है। आप इसे जहां चाहें, जिस शाखा में चाहें, जिस जगह चाहें वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा जहां आपने अकाउंट खुलवा रखा है, और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, ट्रांसफर का फॉर्म आता है पीपीएफ का, वो फिलअप करके देना होगा और आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा पीपीएफ का। फिर आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डिपॉजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट। ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आता है, मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट मनी इन टू ए पीपीएफ अकाउंट मिनिमम 1 टाइम एंड मैक्सिमम 12 टाइम्स। ध्यान दें, आप एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 12 किस्तों में पैसा जमा करा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम एक बार में पैसा जमा करा सकते हैं, यानी कि साल में एक बार तो डिपॉजिट करनी ही पड़ेगी, और मैक्सिमम साल में कितनी डिपॉजिट कर सकते हैं आप, 12 डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग ए गिवन फाइनेंशियल ईयर आल्सो नॉट मोर देन 2 डिपॉजिट्स कैन बी मेड टू पीपीएफ स्कीम ड्यूरिंग एनी गिवन मंथ। एक चीज और कि ये 12 बार जमा करा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही महीने में आप 12 बार जमा करा सकते हैं पैसा, ऐसा भी नहीं है, इसकी भी लिमिट है। एक महीने में आप पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम 2 बार पैसा जमा करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में एक महीने में आप मैक्सिमम 2 बार जमा करा सकते हैं, साल में 12 बार इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करा सकते हैं, और कम से कम एक बार तो जमा कराना ही है। और यहाँ जब मैं वर्ष की बात करता हूँ तो हमेशा पीपीएफ में मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, भूल मत जाना, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है फाइनेंशियल ईयर। फिर आगे है मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ अकाउंट, ये देख लेते हैं। अकाउंट विल बी मैच्योरिटी आफ्टर फुल 15th फाइनेंशियल ईयर। ध्यान दे, आपका जो अकाउंट है पीपीएफ का वो 15 साल के बाद मैच्योर होता है, लेकिन कौन से 15 साल, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फुल 15 फाइनेंशियल ईयर्स, 15 पूर्ण जो आपके फाइनेंशियल ईयर्स हैं, वित्तीय वर्ष है वो उसके होने के बाद, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जिसमें जिस वर्ष आपने अकाउंट ओपन किया है उसके फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, जिस वर्ष आप अपना ये अकाउंट खोलेंगे पीपीएफ का, उस फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद 15 साल स्टार्ट होंगे। ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर हैज द फॉलोइंग ऑप्शन, और जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा 15 साल के बाद तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, देखिए। ए, कैन टेक मैच्योरिटी पेमेंट बाय सबमिटिंग अकाउंट क्लोजर फॉर्म अलोंग विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस पे जाके एक फॉर्म भर सकते हैं, क्लोजर फॉर्म, और आप अपना सारा पैसा पीपीएफ का ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए, दूसरा ऑप्शन है बी, कैन रिटेन मैच्योरिटी वैल्यू इन हिज हर अकाउंट फर्दर विदाउट डिपॉजिट। आप विदाउट डिपॉजिट करे भी अपने जो मैच्योरिटी वैल्यू को, 15 साल हो गए उसमें जितना भी पैसा है उसे आप आगे भी जारी रख सकते हैं उस अकाउंट में, पीपीएफ के अकाउंट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पीपीएफ इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल एंड पेमेंट कैन बी टेकन एनी टाइम और कैन टेक 1 विड्रॉल इन ईच फाइनेंशियल ईयर। और आप 15 साल हो गए उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, रख सकते हैं, उसकी लिमिट है, ठीक है, और उसमें से आप पैसा निकाल भी सकते हैं इसमें भी, लेकिन ध्यान दें 1 विड्रॉल है ईच फाइनेंशियल ईयर में। फिर अगला है इसका सी पॉइंट, कैन एक्सटेंड हिज हर अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स।
आप अपने अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर से 5 साल कर सकते हैं विद इन ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी। ध्यान दें, मैच्योरिटी के 1 साल के भीतर आप अपना ये चूज कर सकते हैं कि मुझे एक्सटेंड करना है अपना अकाउंट। और एक्सटेंशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें आप डिपॉजिट जमा कराना चाहते हैं, दूसरा तरीका कि मैं डिपॉजिट नहीं करना चाहता कुछ भी नया, लेकिन मैं अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहता हूं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट डी, इन एक्सटेंडेड अकाउंट विद डिपॉजिट 1 withdrawal कैन बी टेकन इन ईच फाइनेंशियल ईयर। जब भी आपका अकाउंट एक्सटेंशन होगा तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 1 बार ही पैसा निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट 60% ऑफ बैलेंस क्रेडिट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन द ब्लॉक ऑफ 5 years। और मैच्योरिटी के टाइम जितना बैलेंस था उसका 60% ही निकाल सकते हैं। ये क्लियर कर लेना, मैच्योरिटी के टाइम जितना पैसा था आपके अकाउंट में उसका 60% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे और PPF के जो दूसरे वीडियो है वो देखें, उसमें मैंने एक्सटेंशन से संबंधित सभी नियम और शर्तें बता रखी है। फिर आगे है हाउ मेनी ईयर्स ए PPF अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड। तो देख लीजिए PPF अकाउंट को कितने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। द सब्सक्राइबर कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन टू गेट अनदर 5 years ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट। आप 5 साल के लिए एक बार में एक्सटेंड कर सकते हैं अपने PPF अकाउंट को। एंड दे कैन आल्सो चूज वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द कंट्रीब्यूशन और नॉट। और आपको दोनों तरह के ऑप्शन दिए गए हैं कि जो अगले 5 साल आप चूज कर रहे हैं एक्सटेंशन के, वो कंट्रीब्यूशन करने के साथ करेंगे या विदाउट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। विदाउट कंट्रीब्यूशन मतलब कि जितना मैच्योरिटी पे अमाउंट था वही चलता रहेगा आगे, आपको अपनी तरफ से और कोई पैसा नहीं लगाना है। और कंट्रीब्यूशन के साथ का मतलब क्या है कि जो हम पैसा लगाते हैं, जो स्कीम है कि 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपये करना है, अगर वो स्कीम वापिस से आगे बढ़ाना चाहते हैं ऐसी की ऐसी, तो उसका भी चूज कर सकते हैं, वो आपको ऑफर मिल जाएगा दोनों में से एक चूज करने का। फिर आगे है हाउ मेनी टाइम्स ए PPF अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड। अब PPF अकाउंट को कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए PPF अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप एक बार में 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब 5 साल करके बार बार में 5 साल करके उसे जब चाहे जितने समय तक आप आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एन अकाउंट मेच्योर्स ऑन March 31st 2025, इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल March 31st 2030। आपकी 31 मार्च 2025 को हो गया आपका मेच्योर, आप उसे और 5 साल के लिए बढ़ा सकते हो और फिर और 5 साल के लिए बढ़ा सकते हो। 30 से बढ़ाकर 35 कर सकते हो, 35 से बढ़ाकर 40 कर सकते हो, 40 से बढ़ाकर 45 कर सकते हो। जितना चाहे आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, ये नहीं है कि एक बार ही आप 5 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, चाहे जितनी बार ले सकते हो। फिर आगे डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर ऑफ PPF अकाउंट। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो क्या होगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर द अकाउंट शैल बी क्लोज्ड। तो उस केस में PPF अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा एंड नॉमिनी और लीगल हेयर्स शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू डिपॉजिट इन द अकाउंट। और जो भी नॉमिनी है आपका उसको सारा पैसा दे दिया जाएगा और उसे आगे अकाउंट जारी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अकाउंट को क्लोज ही करना पड़ेगा, अकाउंट को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजर ड्यू टू डेथ PPF रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड टिल द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज क्लोज। और जिस महीने में आप अकाउंट क्लोज करेंगे, ध्यान देना जिस महीने में आप अकाउंट क्लोज करेंगे उससे पिछले महीने तक का ही ब्याज मिलेगा। बस यहां तक की कहानी है, आगे बढ़ते हैं। What are the tax implications? अब टैक्स के प्रभाव देख लेते हैं। Number 1, ₹1.5 lakh will be exempted from tax deduction under section 80C of the Income Tax Act 1961। आप PPF में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट डिडक्शन लेने का फायदा मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट अर्न ऑन द PPF विल कम्प्लीटली टैक्स फ्री। और जो भी ब्याज मिलेगा PPF पर आपको, वो सारा का सारा ब्याज मुफ्त होगा, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितना भी ब्याज बने, अनलिमिटेड ब्याज बनेगा, तो उस अनलिमिटेड ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, EEE कैटेगरी स्कीम। जो PPF स्कीम है वो टैक्स की दृष्टि से EEE कैटेगरी में आती है। EEE क्या होता है, एग्जेम्प्ट, यानी कि कभी भी टैक्स नहीं लगता। कभी भी का मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया आपने 1.5 लाख रुपए तक, उस पर टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, उसमें आपको 80C के तहत छूट मिल जाएगी। इंटरेस्ट जो अर्न होगा PPF पे, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब 15 साल बाद आप पैसा लेंगे तो जो वो ब्याज मिलेगा आपको, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड मेच्योरिटी अमाउंट ऑल आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री। मेच्योरिटी अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा, इंटरेस्ट अर्न पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है। यानी कि PPF में जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भूल जाए कि कोई टैक्स लगेगा।
फिर आगे है व्हाट आर द एसटीसीजी एंड एलटीसीजी टैक्स इंप्लीकेशंस। तो देख ले जाए, नो एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड नो एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पीपीएफ कोई कैपिटल गेन नहीं है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स बनेगा ही नहीं, तो एसटीसीजी और एलटीसीजी पीपीएफ पर लागू ही नहीं होते। फिर आगे है प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ओनली आफ्टर फुल फाइव फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द अकाउंट वाज ओपन वन कैन क्लोज हिज और हर अकाउंट प्री मेच्योरली। जब 5 साल आपके कंप्लीट हो जाए, फुल फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना 5 साल, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, भारत सरकार ने अनुमति दी है। इट इज ओनली परमिटेड फॉर conditions विच आर as follows। लेकिन ये कुछ conditions पे ही दी गई है, कौन कौन सी conditions है जब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। पहली, द पीपीएफ अकाउंट कैन बी क्लोज इफ द अकाउंट होल्डर और हिज और हर स्पाउस पेरेंट्स और माइनर चिल्ड्रन आर हॉस्पिटलाइज विद अ क्रिटिकल इलनेस। यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, गंभीर बीमारी हो गई है, तो आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन वन कैन आल्सो अप्लाई फॉर प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द पीपीएफ अकाउंट। अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन और चिल्ड्रन वगैरह आपके, तो उस केस में भी आप इसको बंद कर सकते। तीसरा, यू कैन क्लोज योर पीपीएफ अकाउंट प्री मेच्योरली इफ योर रेसिडेंट प्रोफाइल हैज चेंज। अगर आपका रेसिडेंट प्रोफाइल चेंज हो चुका है, आप एनआरआई बन चुके हैं, तब भी आप पीपीएफ अकाउंट को बंद कर सकते हैं। इन द इवेंट दैट ए पीपीएफ अकाउंट इज प्री मेच्योरली क्लोज्ड, द अकाउंट होल्डर रिवाइव्स 1% लेस इंटरेस्ट देन द करंट रेट और रिसीव्स 1% लेस इंटरेस्ट रेट देन द करंट रेट। तो अगर आप प्री मेच्योरली क्लोज करते हैं पीपीएफ अकाउंट को, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1% कम मिलेगा, जितना कि भारत सरकार ने तय कर रखी है ब्याज, उससे 1% कम ब्याज दिया जाएगा आपको। फिर आगे है लोन फैसिलिटी ऑन पीपीएफ डिपॉजिट। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, मुझे सबसे गजब की स्कीम लगती है सेफ सिक्योर और कंप्लीटली फ्लेक्सिबल स्कीम। तो देखिए लोन क्या है, इसमें लोन की फैसिलिटी, यू कैन टेक ए लोन ऑन योर अकाउंट फ्रॉम 3rd year to 6th फाइनेंशियल ईयर। कुछ जगह गलत बता रखा है, उसको सेकंड ईयर बता रखा है, सेकंड ईयर नहीं है। 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में फाइनेंशियल ईयर के आप पीपीएफ पर लोन ले सकते हैं। मैंने 3 साल क्यों लिखा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं अपनी कैलकुलेशन में कि पहला जो साल होता है उसमें तो आपका फुल फाइनेंशियल ईयर होगा ही नहीं, तो वो काउंट ही नहीं होगा, तो अगले साल से फुल फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। यू कैन अवेल मैक्सिमम 25% अमाउंट ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वुड बी अलाउड एज लोन। आप जब लोन लेंगे तो जो सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होगा उसका 25% आप लोन ले पाएंगे, ठीक है। जैसे इफ ए लोन इज अप्लाइड इन 2014-15, अगर आपने 2014-15 में लोन अप्लाई किया, देन 25% ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ 2012-13 कैन बी टेकन एज लोन। तो 2012-13 के अंत में मतलब 2012-13 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, उसके अंत में आपके जितना बैलेंस था उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोन कैलकुलेटर, विड्रॉल कैलकुलेटर और पीपीएफ कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर मेरे पीपीएफ की प्लेलिस्ट में है। एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे पीपीएफ के प्रश्नों के आपके जवाब दे रखे हैं, उसको जरूर देखना। ओनली वन लोन कैन बी टेकन इन ए फाइनेंशियल ईयर, आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार लोन ले सकते हैं, केवल एक बार। फिर आगे है लोन फैसिलिटी ऑन पीपीएफ डिपॉजिट्स का अगला पॉइंट, ए फ्रेश लोन इज नॉट अलाउड व्हेन ए प्रीवियस लोन और इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। यदि आपने पुराना लोन नहीं चुकाया है या उसका ब्याज नहीं चुकाया है तो आप नया लोन नहीं ले सकते। द रीपेमेंट मे बी मेड इधर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। आप चाहें तो जो लोन लिया है उसको आप लमसम एक साथ भी चुका सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके भी चुका सकते हैं। फिर आगे है लोन का ही अगला पॉइंट, इफ लोन रीपेड विद इन 36 मंथ ऑफ द लोन टेकन, लोन इंटरेस्ट रेट एट 1% पर एनम शैल बी एप्लीकेबल। अगर आप लोन को 36 महीने के अंदर यानी कि 3 साल के भीतर भीतर चुका देते हैं तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, केवल 1%। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, ये 1% ब्याज जो बोला जाता है वो 1% नहीं होता। तो फिर सर क्या होता है, तो देखिए, बट द एक्चुअल लोन कॉस्ट शैल बी हायर दैट इज पीपीएफ इंटरेस्ट रेट प्लस द 1% इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन पीपीएफ लोन। तो आपको जो लोन दिया जाएगा वो आपकी ही राशि में से दिया जाएगा, ध्यान दे,
आपको अगर 1 लाख का लोन दिया जा रहा है तो वो 1 लाख का लोन कहाँ से दिया जा रहा है? आपके ही पीपीएफ अकाउंट में से दिया जा रहा है। तो आपको 1 लाख का लोन दिया तो उस पर जो ब्याज देता भारत सरकार जो ब्याज देती वो नहीं मिलेगा। जैसे आज की तारीख में 7.1 चल रही है तो वो 1 लाख पर 7.1 का तो वो नुकसान हो गया और 1% आपसे ब्याज और लिया जाएगा। तो एक तरह से ये कितनी हो गई, 8.1% हो गई आपके ऊपर ब्याज की दर। तो ये क्लियर हो गया आपका। इफ लोन रिपेड विद इन 36 मंथ ऑफ द लोन टेकन, लोन इंटरेस्ट रेट एट 6% पर एनम शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ लोन डिस्पर्समेंट। यदि आपने 36 महीने के बाद 36 महीने या 3 साल के बाद लोन चुकाया तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम आपको ब्याज देना पड़ेगा। ध्यान रखना ये 6% प्लस जो आपको भारत सरकार ब्याज देती उसमें प्लस में होकर ये 6% है, ठीक है, और ऐसे ये 1% प्लस होकर है। फिर आगे है पार्शियल विड्रोल फैसिलिटी इन पीपीएफ देख लेते हैं। पार्शियल विड्रोल ऑफ फंड्स इज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 फाइनेंशियल ईयर। ध्यान दें, 6 साल तक तो आप क्या ले सकते थे, लोन, और जैसे ही लोन की फैसिलिटी कम होती है पार्शियल विड्रोल की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो 6 साल के बाद आप लोन पार्शियल विड्रोल ले सकते हैं फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर, 7वें फाइनेंशियल ईयर से आप पार्शियल विड्रोल कर सकते हैं। यू कैन मेक पार्शियल विड्रोल बट यू कैन नॉट टेक ए लोन। एक बार में एक ही ले सकते हैं, लोन 6 साल तक ले सकते थे, 6 साल के बाद आप केवल पार्शियल विड्रोल करा सकते हैं। 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर और 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द 4th फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। तो 4th जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके बैलेंस में कितना था आपका बैलेंस, ठीक है, या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना है बैलेंस उसका 50%। जैसे मान लीजिए 2020 की बात कर रहे हैं तो 2019 में आपका कितना था बैलेंस, या तो उसके आधार पर आपको पार्शियल विड्रॉल मिल सकता है 50%, या जो अकाउंट है वो उसका एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर उसके आधार पर मिल सकता है। इसके लिए आप डिटेल वीडियो मेरा जरूर देखें, ये कम्प्लीटली पार्शियल विड्रॉल के लिए मैंने कैलकुलेटर बना रखा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें चेक कर लें उसको। विच एवर इज लोअर, जो भी इन दोनों में से कम होगा उसके आधार पर आपको लोन वो पार्शियल विड्रॉल कर दिया जाएगा। फिर आगे है पीपीएफ 100% सिक्योर फ्रॉम कोर्ट ऑर्डर्स, तो ये भी देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 9 ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 द अकाउंट अमाउंट इन ए पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड अंडर एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू रिकवर एनी डेट और लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। पीपीएफ में एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 9, वो इसे पूरी तरह 100% सिक्योर बनाता है कि आपके ऊपर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया या किसी प्रकार के आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है और आपके पीपीएफ अकाउंट में मान लीजिए 50 लाख रुपए, तो उस 50 लाख रुपए में से 5 रुपए भी कोई नहीं ले सकता है। ध्यान देना, अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है 50 लाख का और आपके पीपीएफ अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं तो उस 50 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी उस 50 लाख रुपए में से आपके पीपीएफ अकाउंट में से 1 रुपया भी किसी उधार वाले को नहीं चुकाया जा सकता है, ऐसा कानून है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें पीपीएफ की, उसमें पीपीएफ की जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, CCS NPS rules, PPF public provident fund, fixed deposit schemes, gold investment schemes, SBI की schemes, post office की schemes, MS Excel की complete master series, computer mobile solutions और best investment plans की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर playlist जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।